गुड मॉर्निंग मित्रों एंड मित्रनियों, मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में आपने देखा कि पूनम की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अभी मैंने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। और आज है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। आपको, आपकी फैमिली को और हमारे सारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नहीं खोला मैंने अभी तक, मतलब बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि इसे पहन के आप अंटार्कटिका में जा सकते हो बर्फ़ में, इसलिए ना ठंड में खोलने का मन नहीं करता यार इसे। और क्या करने आया था मैं, हाँ ये करने आया था, गर्म करके पानी, पत्नी श्री की सेवा में हाजिर होना था। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, हम शादीशुदा लोग हैं भाई, हमारा कुछ नहीं होता, हमें तो ड्यूटी पे हाजिर होना ही होना है, हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। 2 डेज़, 2 दिन और रह गए घर पहुँचने में। और कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि चंडीगढ़ से कोई है तो मिल लेना, मिल सकते हैं चंडीगढ़ से कोई है तो हमारा शेड्यूल कुछ इस तरह का है कि मॉर्निंग मॉर्निंग 6 o'clock के आसपास हम अंबाला पहुंचेंगे, और उसके बाद का कुछ भी फिक्स नहीं है। एक काम है चंडीगढ़ में, अगर अगर हो पा रहा होगा तो रुकेंगे 3-4 घंटे चंडीगढ़, अदरवाइज़ वाया चंडीगढ़ होके सीधा हिमाचल जाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग होगा बहुत ज़्यादा, अगर कोई उठता है उतनी जल्दी जल्दी तो मिल सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब 20 दिन की वैकेशन है हमारी, उसमें फिर से हम चंडीगढ़ में आएंगे तो मिलेंगे। चलो देखते हैं, चल के शायद उठी गई होगी अब तक तो। आप तो उठ गए, मम्मा से पहले उठ गए आप तो। मम्मा को उठा रहे हो, उठाओ उठाओ मम्मा को, उठाओ बोलो, मम्मा उठाओ, मम्मा उठाओ। क्या पूनम ठीक हो, तभी ठीक है अभी? कब से उठा रही है तुम्हें? सोने में एक जा रहती है, उसमें पांच बजे उठ जाती है। घोड़ू, ओए घोड़ू, पापा को प्यार चाहिए। पापा को प्यार कौन करेगा, कौन करेगा? हाथ हाथ नहीं, हम तो ले लेंगे प्यार, हम तो ऐसे करके प्यार ले लेंगे। आहा मीठा मीठा प्यार, आहा मीठा मीठा प्यार, आहा मीठा मीठा प्यार। क्या देख रहे हो कैमरे में? आज ना, आज रिपब्लिक डे है। काट लूंगा मैं, बता रहा हूं। अच्छा एक बार फिर से। बस हो गया मेरा, मैं अब और नहीं करना मैंने। दर्द नहीं होता आपको? आपको दर्द नहीं होती? पूरा हाथ ही खा लूंगा मैं आपको खा लूंगा पूरे को। काटू, काट दूंगा मैं इस बार, मैं इस बार काट दूंगा, मैं बता रहा हूं इस बार किया तो मैं पक्का काट दूंगा। चलो जी अभी हम चलेंगे और गाड़ी का कवर निकाल के लाएंगे, आप चलोगे मेरे साथ? नहीं, बोलो, चलो चलो मेरे साथ, गाड़ी का कवर निकाल के लाएंगे। चलो 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 चलो, मैंने कहा चलो चलो, मुझे जरूरत है। चलो जी, गुगु खुश हो जाती है बाहर जाते। बारिश की वजह से देखो कीचड़ कीचड़ हो गया हमारे रोड में, कीचड़ के बीच में अगर दोनों बाप बेटी गिर गए तो पूरी दुनिया हंसेगी हम पे कि देखो कैसे गिरे हुए हैं। गाड़ी का कवर जैसे निकला खुश होगी लड़की कि चल रहे हैं घूमने, हम अभी नहीं जा रहे, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। महारानी सो चुकी है तो चलिए फिर जल्दी से काम निपटा लेते हैं। क्या बनाया फिर आज तुमने? मटर, मटर, आलू मटर। ये मटर खा खा के ना मेरी ना भी हरी हो गई है, तो इस सीजन में ना मटर ही मटर चल रहे हैं, अब लोग फिर भी मटर ही बन रहे हैं क्या? अभी हम खाना यहाँ बैठ के खाएंगे। मेरे बिना तुम्हारा दिल नहीं लगता? ना तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता बिल्कुल भी। नाच नाचो, साथ साथ में मेरा एंटरटेनमेंट भी करती रहो। ऐसा डाइनिंग टेबल आपने देखा नहीं होगा, अभी बड़े बड़े महंगे महंगे डाइनिंग टेबल पर तो सारे खाना खाते हैं।
शेल्फ के ऊपर बैठ के कोई खाक दिखाए। कुछ प्लान है? प्लान तो बहुत होते हैं। गुग्गू बड़ी चालाक है, रात को 1 बजे सोई है और जो खुद सोना होता है 1 सेकंड में सो जाती है। हम फिर चलाते आसपास? हैं हाँ, तो नहीं सोएगी। ढोल नगाड़े बजाते रहो, फिर जब खुद को नींद आएगी ना चुपके से टेढ़ी होगी। तो जी लगता है महारानी जी उठ गई हैं। शुक्र हो बाबा जी उठ गए, बाबा जी उठ गए। बाबा जी ने 4 घंटे हमें बहुत वेट करवाया है, बहुत वेट करवाया। बाबा जी उठो अब, चलो चलो बाहर जाना है। अब एक चीज दिखाता हूँ, देखो पूरा 1 साल लगाया था हाँ करने में, अब मार रही है पोचे घर पे। इसलिए कहते हैं ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए। सुन रही हो ना लड़की हो, सबके सब सुन लो, ऐसे पोचे मारने पड़ते हैं बाद में। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में झंडा फहराया जाएगा आज। जय हिंद, जोर से बोलो जय हिंद। अरे बढ़िया है, यहाँ पे फिक्स हो सकता है। हाँ अच्छा है। गुग्गू देखो पीछे पीछे देखो, ये हमारा नेशनल फ्लैग है और आज है रिपब्लिक डे। और ये है तुम्हारी मम्मा शांता भाई। अच्छे से नहीं धोए आज आपने कपड़े, शर्म तो नहीं आ रही? आज मैंने किचन में बहुत हेल्प करवाई पूनम की। नहीं करवाई? अच्छा लगा तुम्हें? मुझे अच्छा लगता है, आज ही थोड़ी कराई, रोज करा देते हो जब आपको लगता है कि नहीं। आज मैंने थोड़ी ज्यादा करवाई ना। तो कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं बर्गर खाने। बर्गर खाने जा रहे हैं? तुमने बड़े दिन से कहा था बर्गर खिलाएंगे। वो देखो उधर साड़ी की दुकान है, साड़ी नहीं लेंगे। अब हम हिमाचल जा रहे हैं। हिमाचल में साड़ी नहीं पहनते हैं? साड़ी नहीं पहनते हैं। कहाँ पहनिएगा फिर हिमाचल जाके? हम सरारा पहनेंगे। सरारा पहनेंगे? और हम शादियों में खलारा डाल देंगे हम शादियों में। बिल्कुल चलिए, अभी चलिए। साड़ी तो दिलाए नहीं। साड़ी नहीं दिलाएंगे, सूट ही दिलाएंगे। एक रानी हार दिला दीजिए। रानी हार अभी लो, तुरंत लो। कौन से ज्वेलर के पास चलेंगे? तनिष्क से ही दिला दीजिए। वहाँ कल हमने 25% ऑफ देखा था। हमारे अकाउंट में 0.9K रुपीस है। 0.9K, समझ रहे हो? 900 रुपया है हमारे अकाउंट में। ये गाड़ी घोड़ा पे मत जाइएगा, अच्छे कपड़ों पे मत जाइएगा। हमारे पास 2 गाड़ी हैं, हम बहुत अमीर हैं, पर हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है। गुगू क्या अंदर से सोच रहे हो? मन में सोच रहे काश मैं थोड़ी बड़ी होती और तुम लोगों को मार पाती। लो जी तो फाइनल हो चुका है कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बताइए 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 इनको। सरदार जी चाप खाने। घर से ना ऐसे ही मुंह उठा के निकल लेते हैं हम, हमें कुछ नहीं पता होता कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। फिर हम बाहर निकल जाते, फिर हमें भूख लग जाती है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या खाएंगे। मैंने बोला कि गोलगप्पे वाले पास चलते हैं, वहाँ पे जो सिटी गार्ड के पास गोलगप्पे वाले। कहती क्यों ना चाप खाई जाए। मैंने कहा वाह वाह। चंडीगढ़ हम पहुंच रहे हैं संडे मॉर्निंग में। और हम कैसे जाएंगे? हमारी पोलो आ रही है वहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हम बहुत अमीर हैं। बहुत अमीर हैं, हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। बैंक में डोंट फॉरगेट 900 रुपीज इन बैंक। 900 रुपए अभी है। गुगू कुछ बोलो, कुछ बोलो। गुगू नहीं बोलेंगे अभी कुछ। आता 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 गुगू मलाई चाप खाएंगे अभी। चल हाथ 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 गुगु हाथ हाथ गुगु हाथ कर दो हाथ हाथ हाथ। किसकी सबसे ज्यादा याद आई आपको? दादी की आई, दादी की। दादी के पास जाएगी अभी सीधा, उछल के दादी के ऊपर गिर जाएगी और फिर रियो के साथ खेलेगी इस बार गुगु बहुत ज्यादा। ब्राउनी संडे कैफी मोचा। ये देखो कहाँ आ गए हम, यहाँ पे हैं। ये है सरदार जी चाय चाप और इस साइड में क्या कैरेमल मोचा। अच्छा मैं बेच गए। बताओ फिर कितना लेना है, क्या लेना है, क्या लाना है? फुल 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 फुल। पर क्या करना, 2 हाफ लेना। मतलब फुल में कमाती है, 2 हाफ में ज्यादा आएगी। ये किसने बताया तुम्हें? मुझे नॉलेज है ना, मैं खाती हूँ। गुगु आपको तो पहचानने वाले मिल गए यहाँ पे। गुगु से मिलने आ गए, उन्होंने सडनली देखा हमें और आगे बात करने।
गुगू पत्ता, आप तो बड़े फेमस हो, आप तो बड़े फेमस हो गए हो। जब इस तरह से कोई मिलता ना तो अच्छा लगता है, है ना पूनम? हाँ जानक से मैं सच पता नहीं कौन आया अच्छे से प्यार से सारी बातें करते हैं ना गुगू भाव। और देखो ये लड़की, जो लड़का हमें वहाँ मिला था उसकी फ्रेंड है। हाँ अनुज की ना, है ना? जो अनुज जो मनगढ़ में मिला था हमें, उसकी फ्रेंड है। मैंने बोला कि हाँ हम मिला था हमें, बहुत शरीफ सा लड़का, यदि शरीफ नहीं था वो अनुज ऐसा ही क्या शरीफ नहीं है? आ गया भाई खाना, आ गया हमारा, लाओ भैया रखवाओ पुणे मंदिर, गाड़ी में खाते हैं, नहीं तो ये हमें खाने में देंगे, शोर मचा रहे हैं यहाँ पे। ओके थैंक यू भैया। गुगू आपके तो दांत ही नहीं, आप कैसे खाओगे? हम खाएंगे, कितने दिनों बाद खा रहे ना तो पेट भरा नहीं इसका, और अभी ये लेने गई है, अभी हॉट चॉकलेट फज लेने गई है। कैसा है? नहीं बता सकते, मतलब अच्छा नहीं है। मस्त है यार। ये भाई आया एकदम से, साफ सफाई करने लग गया, क्या था भूख लगी है मुझे खाना खाना है। मैंने इसे मना किया, मैंने कहा रहने दे ऐसे ले ले, कहता कि नहीं मैं काम करूंगा तभी लूंगा मैं आपसे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये बताओ जी सर क्या काम करते हो आप? गाड़ी साफ करते हैं, धुलाई करते हैं, जो काम मिलता है काम करके लेते हैं सर। मैं ठंडे लगते सर, मैं जैकेट के लिए गाड़ी साफ करता सर, ये 450 रुपये जैकेट मिलती है, वो जैकेट के चक्कर भी खाना नहीं खाया सुबह से सर। आप रहते कहाँ हो? जूसी जानते सर? जूसी, जूसी के आगे हनुमान में पड़ता है, वहाँ पे घर है सर। अच्छा घर नहीं मतलब तब ऐसे रहते हैं सर। अच्छा और यही प्रयागराज के ही हो? जी सर। अच्छा आप जब भी मिलेंगे बाबूजी आपको फ्री काम करेंगे, पैसा नहीं लेंगे बाबूजी? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं कि यार सच ही बोल रहा होगा वो, लेकिन ठीक है। वो मम्मी कहती है ना कि वो जो झूठ बोल के ऐसा कर लेगा ना, वो उसका भार जो वो उसी के ऊपर चढ़ेगा। अच्छा ही करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मम्मा को सूट दिख गया एक रोड पे, तो हम भी चलते हैं, देखते हैं मम्मा क्या देख रही है। आया कुछ पसंद? मैडम जी हेलो, सूट दे दो, एक सूट दे दो मम्मा को। गुगू कहाँ पार्टी चेंज? लो जी आ गई मैडम सूट लेके, पर अच्छा सुंदर सूट लिया तुमने। मैं सुंदर ही सूट लेती हूँ, मैं तब तक सूट नहीं लेती जब तक मुझे ऐसा लगे कि मेरा सूट बहुत सुंदर है। अरे मैंने बताया जाकर, जब तक मेरे पति को पसंद नहीं आता तब तक मैं कोई सूट नहीं लेती। और ये फैक्ट है, जब तक मुझे नहीं पसंद आई ना कोई चीज, सूट क्या कुछ भी चीज, तब तक नहीं खरीदेगी। और अगर मैं कुछ ले आऊं बाय चांस और मैं इनको दिखाऊं कि कैसा रही, बोले नहीं ना, तो मैं उसको कभी नहीं पहनती, मेरा मन नहीं करता उसको पहनने का, फिर चाहे वो जितना मर्जी महंगा हो। गुगू ने बहुत शोर मचाया था, भूख लगी थी इसे। गुगू बेचारी इरिटेट हो जाती है, मतलब ठीक है छोटा सा बच्चा है ये, बहुत इरिटेट हो जाती है, इसको भी थोड़ी देर तो हमने बिठा दिया लिफाफों से खेलने के लिए। उसके बाद एक आंटी इसको हाय करने लगी, हाय बेबी, हाउ डेयर यू टच मी, ऐसे ऐसे देखा, हाउ डेयर यू टच मी, बेबी जो रोया उसके बाद बेबी चुप नहीं हुआ, गुस्सा आ गया गुगू को। लो जी पहुंच गए घर, उठाओ झोला और निकलो। हेलो घोड़ू, घोड़ू पहुंच गए घर, खुश हो गए अब? ये गाड़ी लॉक कर दी ना मैंने? हाँ आवाज तो आई, पक्का कर लो फिर से, मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार गाड़ी लॉक करना। आई मुझे आवाज इससे, माइक फेंक दिया नीचे कहीं, ये गिरा है, देख रही है नीचे ऐसे करके। बड़ी तेज है तू, तो आज के लिए इतना ही, अभी जाके रेस्ट करेंगे, कल ऑफिस भी जाना है। और शांता भाई खाना बनाएगी। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दिए ना, और वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय 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 बाय।